नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आज हमारे चैनल में। मेरा नाम है सुमित झा और दोस्तों आज मैं देखने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट जो कि यहाँ का लैंडमार्क बनने वाला है। इस वक्त दोस्तों मैं खड़ा हूँ रावेत BRTS रोड पर, जो कि आप देख सकते हैं ये 30 मीटर वाइड रोड है जहाँ पर BRTS का भी एक लेन जाता है। और यहीं इसी रोड पर अगर देखेंगे तो सामने में ये है प्रोजेक्ट आपका एस एटमॉस्फियर, जो कि एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे बनाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया इसका प्लानिंग किया गया है दोस्तों। इसका आज हम लोग सैंपल फ्लैट का टूर करने वाले हैं जो कि 3 BHK का है। और दोस्तों इसकी एक खास बात है प्रोजेक्ट की, यहाँ पर 14th फ्लोर पे कुछ अलग किया गया है, तो 14th फ्लोर के बारे में ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिखाऊंगा भी आपको उसका एक वीडियो कि 14th फ्लोर पर एक्चुअल में कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है दोस्तों। तो इसका टूर करने से पहले लोकेशन के बारे में अगर बात करूँ तो दोस्तों ये आता है रावेत BRTS रोड पर। रावेत BRTS रोड यानी कि अगर 20 साल पहले की मैं अगर बात करूँ रावेत के लेगेसी की, तो 20 साल पहले शायद ही कोई जानता होगा कि रावेत नाम का कोई लोकेशन PCMC में आने वाला है, इतना फ्लरिश होगा, इतना अपस्केल बन जाएगा, अप मार्केट लोकेशन बनेगा। बेसिकली रावेत आज के डेट में एक एस्पायरिंग लोकेशन में से एक बन चुका है PCMC के अंदर में, पिंपरी चिंचवड़ के अंदर में। तो इसी लोकेशन में यानी कि 24 मीटर और 30 मीटर वाइड रोड पर कनेक्टिंग ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है जिसका 30 फ्लोर का सैंक्शन है ऑलरेडी। 31st फ्लोर पर भी एमिनिटीज़ है, पोडियम लेवल पर भी एमिनिटीज़ है और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो 2, 3 और 4 BHK के यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों। प्राइसिंग की भी बात कर लेता हूँ, 2 BHK का प्राइसिंग 79 लाख ऑनवर्ड्स है। 3 BHK यहाँ पर है जो कि 1 करोड़ 1 लाख के आसपास प्राइसिंग इसका स्टार्ट होता है और 4 BHK है जो 1.40 से स्टार्टिंग प्राइस है इसका और 1300 के ऊपर इसका। तो इसका सैंपल फ्लैट हम लोग देखेंगे 3 BHK का जो कि 992 कारपेट का है। तो आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में और 14 फ्लोर के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलरली हमारे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों सैंपल फ्लैट की ओर, आगे की बातें वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं सैंपल फ्लैट के एंट्रेंस पर। 3 BHK का सैंपल फ्लैट है, 992 इसका कारपेट रहने वाला है। ये रहा आपका मेन डोर, इसी से हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉयर स्पेस, ये डिजिटल लॉक की कार्ड या पिन से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एल शेप में बहुत ही बढ़िया लेआउट आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एल शेप में लिविंग डाइनिंग दोनों स्पेस अलग दिए गए हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बालकनी आपको अटैच दिया गया है। ये फुल साइज ग्लास विंडोज रहेंगे विथ मस्किटो मेश, ये बालकनी। दोस्तों लिविंग के साथ साथ आपको गेस्ट बेडरूम दिया गया है जो कि इस तरफ है। और इस बेडरूम का साइज अगर देखेंगे तो 11.5x12 का साइज है विद अटैच्ड वॉशरूम। और इसी के साथ आपको मिल जाती है ये अटैच्ड बालकनी भी, बालकनी का भी लुक आप उठा सकते हैं यहाँ पर। इस तरफ दोस्तों आ जाता है आपका किचन। किचन में ड्राई बालकनी एनक्लोज है, एल शेप का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है और अगर साइज की बात करें तो 14.5x8 का किचन आपको मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लेआउट है, डायमेंशन काफ़ी स्पेशियस होगा किचन का, आपने देखा है। उसी के सामने यहाँ पर आपका डाइनिंग आ जाता है दोस्तों, किचन से डाइनिंग एक्सेस करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर है वॉश बेसिन और एक कॉमन वॉशरूम आपको दिया गया। फिटिंग्स सारे स्टैंडर्ड है, अगर आप देखेंगे तो जैगुआर के फिटिंग्स लगे हुए हैं। कॉमन वॉशरूम के सामने ही आ जाता है चिल्ड्रन बेडरूम। इसका डायमेंशन है 11.5x10। दोस्तों अगर देखेंगे तो सारे डोर फ्रेम्स को अगर आप ध्यान से देखें तो सारे राउंड एजेस है, यहां पर एंटी स्लाइडिंग स्ट्रिप्स भी लगे हुए हैं।
तो इससे बैंगिंग नहीं होता है, डोर का लाइफ, फ्रेम का लाइफ भी बढ़ जाता है। और फाइनली दोस्तों ये रहा आपका मास्टर बेडरूम, 11 बाई 11 का है। इसमें आपको यहाँ पर भी फुल साइज यानी कि ये देखेंगे तो 6 फीट तक आपको ये ग्लास विंडो मिलता है और एक स्टैंडिंग बालकनी भी आपको दी जा रही है। और इस तरफ है इसका अटैच्ड वॉशरूम। दोस्तों कैसा लगा आपको ये 3 BHK 992 कारपेट का? तो बात की थी मैंने 14th फ्लोर की, तो अभी देख लीजिए 14th फ्लोर का वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एमिनिटीज का पार्ट? 14 फ्लोर सब कमाल का है ना। तो ये देखने के बाद अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, ये सारे चीज़ों को अगर आप विजुअली आके यहाँ पे देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो सारे डिटेल्स आपको ब्रोशर व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाएगा, फ्लोर प्लान्स भी आप देख सकते हैं, प्राइसिंग के बारे में भी आपको अगर डिस्कस करना है तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों रावत BRTS रोड पर ये प्रोजेक्ट है, एस एटमोसफियर, काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है दोस्तों, लैंडमार्क बनने जा रहा है रावत के अंदर में। तो आइए जरूर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को भी देखते रहिए। इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।